शेफाली पाटीदार, आई एम ट्यूटर ऑफ इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट इट सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट एंड स्ट्रोक। डेफिनेशन, अ स्ट्रोक अकर व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द यूअर ब्रेन इन द इंटरप्टेड और रिड्यूस्ड एंड द डिप्राइविंग ब्रेन टिश्यू ऑफ द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स विद इन मिनट्स ब्रेन सेल्स एंड बिगन टू डाई। रिस्क फैक्टर फॉर द स्ट्रोक्स एंड इन द नॉन मॉडिफिएबल एंड इन द पोटेंशियली मॉडिफिएबल। फर्स्ट क्या है हमारा, नॉन मॉडिफिएबल में एज इंसिडेंट इंक्रीज विद इन द एज द अंटिल द एज 75 एंड सेकेंड रेस हायर इन द अफ्रीकन अमेरिकन, थर्ड जेंडर एंड इन द हायर इन अ मैन एंड फोर्थ है हमारा हेरिडिटी एंड फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज द रिस्क। अगर किसी को हेरिडिटी या फैमिली हिस्ट्री में रहता है तो वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज मतलब कि रिस्क इंक्रीज रहेगा। एंड सेकेंड पोटेंशियली मॉडिफिएबल, इसमें क्या रहेगा हमारा लाइफ स्टाइल, एक्सेसिव एल्कोहल या तो फिर एक्सेसिव एल्कोहल अगर वो इंटेक कर रहा है या एंड सिगरेट स्मोकिंग ओबेसिटी एंड इन द हाई फैट डाइट एंड द ड्रग अब्यूज। सेकेंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, कार्डियक डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, एसटी एंड हाइपरटेंशन, माइग्रेन हेडेक एंड इन द हाइपर कोगेबिलिटी स्टेट। इडियोलॉजी एंड इन द पैथोलॉजी एंड इन द एक्स्ट्राक्रेनियल फैक्टर्स रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या रहेगा फर्स्ट एंड इन द सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर क्या रहेगा 72/160 रहेगा एंड इन कार्डियक आउटपुट एंड व्हेन द रिड्यूस बाय द 30% ऑफ द सेरिब्रल ब्लड फ्लो इज एन इन द रिड्यूस्ड एंड द ब्लड वेसिकोसिटी एनीमिया इंक्रीज द सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड इन द पोलीसाइथेमिया रिड्यूस इट। इंट्राक्रेनियल फैक्टर्स, फर्स्ट है मेटाबॉलिक फैक्टर, इंक्रीज द CO2 एंड इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द लो ऑक्सीजन लेवल एंड द रिजल्ट इन द वेसोडाइलेशन टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू नॉर्मल। सेकेंड क्या है एंड इन द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट पोटेंट रेगुलेटर ऑफ द सेरिब्रल ब्लड फ्लो। थर्ड है हमारा इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन्स एंड इन द कंसनट्रेशन इंक्रीज द सेरिब्रल ब्लड फ्लो। इंट्राक्रेनियल फैक्टर्स, सेकेंड हमारा फर्स्ट क्या था हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर्स, सेकेंड है हमारा ब्लड वेसल्स। द कंडीशन ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाई द ब्रेन इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट है पोटेंशियली प्रॉब्लम एंड द कंजेनाइटल एनोमलीज। सेकेंड क्या है द माल फॉर्मेशन एंड इन द इंटरफेयर विद द सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड इन द कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज and in the correlated circulation the develop and in the and circle of the villus। थर्ड क्या है, फर्स्ट हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर हो गया, सेकेंड ब्लड वेसल्स एंड थर्ड क्या हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। फर्स्ट क्या है हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर में ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज विद इज एन इन द एसल्ट ऑफ द ब्रेन। सेकेंड कोजेस ऑफ द ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब कि हाई होने के क्या क्या कोजेस है, स्ट्रोक, नियोप्लाज्मा, इन्फ्लामेशन, ट्रोमा एंड इन द हाइड्रोसेफेलस। थर्ड क्या है ICP कंप्रेस द ब्रेन एंड द रिड्यूस द सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड विच में लीड टू इन्फ्रक्ट। फोर्थ क्या है बोथ द एक्स्ट्राक्रेनियल एंड द इंट्राक्रेनियल फैक्टर्स में लीड टू स्ट्रोक। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन एंड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ इन द इंडिमा ऑफ द आर्टरीज। सेकेंड फ्लैग डेवलप इन एन एरिया ऑफ द हायर ट्रिबुलेंस एंड विच में लेटर डैमेज द फ्लैग एंड द प्लेटलेट एंड इन द फ्लैग्यू एंड इन द प्लेटलेट एंड इन द फिब्रिलिन एग्रीगेटेड और द कलेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्लैग्यू। एंड इन फोर्थ क्या हमारा पार्ट ऑफ द फ्लैग्यू ब्रेक्स ऑफ एंड इन द ट्रेवल ऑफ द नेरोवर द डिस्टल आर्टरी एंड द फिफ्थ हमारा लास्ट है सेरेब्रल इन्फ्रक्ट अकर। इसमें क्या रहेगा आर्टरीज एंड वेसल्स में क्या है फैट डिपॉजिट होना।
टाइप्स ऑफ स्ट्रोक एंड द इस्केमिक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक. इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, अकर ड्यू टू डिक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ एंड इन द एरिया ऑफ द ब्रेन एंड ड्यू टू द पार्शली एंड द कम्प्लीटली ऑक्लूशन एंड द ओकल्शन ऑफ इन द आर्टरी ड्यू टू द थ्रोम्बोसिस. इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट हमारा क्या था, डिक्रीज द ब्लड फ्लो, जितना उसका एरिया रहेगा ब्रेन का एरिया वहाँ पर क्या होगा, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वहाँ पर पार्शली और द कम्प्लीटली. और फिर वहाँ पर क्या होगा, आर्टरीज या फिर ब्रेन में क्या होगा, वहाँ पर थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाएगा. एंड इन द दिस लैक, सेकेंड क्या हमारा, दिस लैक ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन एंड इन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ एन एरिया ऑफ द ब्रेन कॉजेज द नेक्रोसिस ऑफ द सेरिब्रल टिश्यू. टू टाइप्स एंड इन द थ्रोम्बोटिक एंड इन द एम्बोलिक. टू टाइप्स में रहता है, फर्स्ट क्या है, थ्रोम्बोटिक एंड एम्बोलिक. एंड द थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या है, फर्स्ट मोस्ट कॉमनली कॉजेस ऑफ द सेरिब्रल इन्फ्रक्ट. इसमें कॉज क्या रहेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट और इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड डेट रिजल्ट इन नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स और द ऑक्लूजन. एंड थर्ड पॉइंट क्या हमारा, टू टू थर्ड ऑफ द स्ट्रोक ड्यू टू हाइपरटेंशन और डीएम डायबिटिक मेलाइटिस एंड इन द एसोसिएटेड द एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस. लास्ट मे ऑल्सो बी द ड्यू टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड द कोगुलेशन डिसऑर्डर एंड इन द पॉलीसाइथेमिक एंड इन द पॉलीसाइथेमिया आर्थराइटिस एंड इन द क्रोनिक हाइपोक्सिया एंड डिहाइड्रेशन. थ्रोम्बोस क्लॉट फॉर्मेशन एंड इन द प्रोपेगेशन ऑफ द क्लॉट एंड इन द एम्बोलाइजेशन. थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आर द यूजली द प्रोसीड बाय प्रोड्रोमल एपिसोड एंड द वार्निंग्स कॉल इन द TIAS मतलब ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक एंड इन द TIA लास्ट फ्रॉम इन द 5 to 30 minutes. ऐसा फर्स्ट क्या है, इंक्लूड द एंड इन द पैरेसिस और द डिक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द मोशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज. एंड सेकेंड क्या है, एस्पेक्सिया एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ द लैंग्वेज फंक्शन. थर्ड है पैरालिसिस, मेंटल कंफ्यूजन और विजुअल डिस्टर्बेंस. थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, द एक्सटेंडेड ऑफ द स्ट्रोक डिपेंडेड ऑन द रैपिड एंड इन द रैपिडली ऑफ द ऑनसेट एंड इन द साइज ऑफ द लीजन एंड इन द प्रेजेंस द कोरिलेटेड द सर्कुलेशन. देयर इज अ पैटर्न टू द थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एंड इन द सिंगल अटैक एंड द सिम्टम्स अकर ओवर द सेवरल हवर्स सेवरल हवर्स. एंड सेकेंड क्या है, इंटरमीडिएट द प्रोग्रेशन टूवर्ड्स स्ट्रोक ओवर हवर्स और डे. थर्ड क्या है, पार्शली स्ट्रोक विथ इन द परमानेंट न्यूरो डेफिसिट. फोर्थ है इन द सीरीज ऑफ द TIA. TIA का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिट इस्केमिक अटैक एंड इन द फॉलो बाय द स्ट्रोक विथ इन द परमानेंट न्यूरो डेफिसिट. Thrombotic stroke and the symptoms at in the 72 hours are usually due to the resulting edema to tissue and in the symptoms improve after edema subsides. And the कब इसके होते हैं episode मतलब symptoms कब दिखते हैं, 2 weeks. And in this type of the stroke occur the during or the after stroke. Embolic stroke हमारा second क्या है, embolic stroke. फर्स्ट है हमारा इसके अंदर सेरिब्रल एम्बोलिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द ओकल्सन ऑफ द सेरिब्रल आर्टरी बाय एंड इन द एम्बोलस एंड इन द न्यूरो नेक्रोसिस एंड इन द सेरिब्रल एडिमा रिजल्ट्स. थर्ड क्या हमारा, एम्बोलस इन द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ द स्ट्रोक. एंड फोर्थ है मोस्ट एम्बोलाई ऑर्गेनेटेड इन द इंडोकार्डियम विद द फ्लेगू और टिश्यू breaking off and in the entering circulation. Embolic stroke and the emboli are the associated with the heart conditions such as in the afebrile MI and
MI myocardial infarction, infective endocarditis, and in the rheumatic arthritis, rheumatic heart disease, and in the valvular prosthesis and the ASD. Embolic stroke. And in the less common causes of the emboli, first kya hai, air fade from the long bone fracture. Third kya hai, hamara amniotic fluid postpartum, and last tumors. Embolic stroke. First kya hai, hamara prodromal warning less likely and in the single events. And in the sudden onset. And third क्या हमारा most commonly related to the head trauma. Fourth है high rate of in the reoccurrence if the causes is not the treated. And the hemorrhagic stroke. इसमें क्या रहेगा intracerebral hemorrhage is the bleeding within the brain causes by the rupture of a blood and blood vessels that last from the minutes to day. Most commonly caused by STN hypertension. Third kya may be caused by the brain tumor trauma and the thrombolytic drug and in the ruptured aneurysm. Hemorrhagic stroke and in the blood within the closed area of the brain and the imposes pressure on the brain tissue and the depressed brain tissue and the decrease the blood flow to brain. Clinical manifestation depending on the site and the amount of hemorrhage and in the the resultant damage. And last kya hai and in the poor prognosis and in the 70% die. Subarachnoid stroke. इसमें क्या है कोस्ट बाय द एनोरिज्म एवी माल फॉर्मेशन एंड ट्रोमा एंड द एस टी एन हाइपर टेंशन एंड द मे हैव इन द एंड इन द प्रोनॉर्मल सिम्टम्स इफ इन द बलोइंग और द डायलेशन एंड अप्लाई द प्रेशर टू द ब्रेन टिश्यू मे द सडनली रप्चर एंड इन द कोसिंग द न्यूरो चेंज मेजोरिटी ऑफ द एनोरिज्म आर इन द सर्कल ऑफ द विलीज subarachnoid hemorrhage and the if the aneurysm leak and the patient may have a headache and second kya rupture of the aneurysm causes the pressure in the subarachnoid space due to bleeding clinical manifestation iske kya kya rahenge agar rupture ho jata aneurysm the headache lethargy confusion nausea vomiting fever neck pain and backache paralysis coma and death Massive hemorrhage isn't defined is in the 30 to 50 ml of the blood and the watch for the rebleeding when the clot started to the dissolve usually within a first 2 weeks post rupture and reduce the activity and in the prevent the straining. Temporal developmental of the CVA cerebral vascular accident. Transient ischemic attack. इसमें क्या है ब्रीफ एपिसोड ऑफ द न्यूरो मैनिफेस्टेशन लेस देन इन द 24 hours. सेकेंड क्या है लिव्स और रेसिड्यूअल इफेक्ट्स थ्री कैटेगरीज में क्या आएगा फर्स्ट टू थर्ड नेवर हैव अनदर द ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक वन थर्ड में वेल हैव मोर देन वन द ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक एंड इन द वन थर्ड वेल हैव ए have a stroke and in the transient ischemic attack mein and the warning sign of in the progressing CVA cerebral vascular accident and the transient ischemic attack mein kya rahega sign and symptoms vary depending on the part of the brain affected and treatment kya rahega medication such as the aspirin and in the percentine and in the dipyridamole and in the Tylenol and in the anticoagulant medication. Second care long term therapy and in the post transient ischemic attack. In the surgical treatment mein and in the carotid
the carotid, and in the endotracheotomy, and in the extracranial, intracranial bypass, and intracranial bypass, and in the transluminal angioplasty. Reversible ischemic neurological deficit. A neurodeficit when in the remain the 24 hours after the onset, but leaves on in the residual sign or symptoms. Considered a completed stroke with minimal to no residual deficit. Stroke in involution. A progress stroke which the develop over hours or days, and in the characteristics of and the enlarging intra-arterial thrombus. Third के हमारा a stabilize of in the intermittent and in the progression of the and the deterioration of the neurological symptoms. Manifestation do not the resolve and the leave residual damage. Completed stroke. Neuro defect unchanged over the 2 to 3 days. Usually embolic in the nature, also called the stable stroke, and in the signals readiness of in the aggressive rehab therapy, and the unless and in the aneurysm in the involved. Clinical manifestation, all the deficit are the directly related to the area of the brain is and in the involved, and in the neuromotor function, and in the destruction of the motor neurons in the pyramidal pathway. Causes, first is mobility, and in the respiratory function, and in the swallowing and the speech, and in the gag reflex and the self-care abilities. Motor deficit, loss of the skilled and the voluntary, and the loss of the skeletal voluntary movement, and the akinesia, and the impairment of the integration of the movement, and the alteration in the muscles tone, alteration in the reflexes, and lastly our essential hyporeflexia, which in the progress to the hyperreflexia or for the most patients. Essential hyporeflexia, which in the progresses to the hyperreflexia for most patients. Pattern of deficits, and in the contralateral deficit, first isme kya rahega, a lesion on one side of the brain affected the motor function on the other side of the brain. The arm and leg on the affected side may be the weak or the paralyzed to the different degree, and in the depending the degree of the cerebral circulation, and in the compromised. The affected shoulder tend to rotate it, and in the internally the hip rotated externally. The affected foot is in the plantar flexed and in the intervertebral, and an essential period of in the facility, and may the last for the several days to weeks, and spasticity of the muscles, and in the flow the facet stage, and is related to the interruption of the upper neuron influence. Communication, asphyxia, total loss of in the comprehension and in the use of the language due to damage to the dominant hemisphere and the left hemisphere. Dysphasia is in the dysfunction related to the comprehension or the use of the language due to the partially description or loss. Non-plated and in the minimal speech activity with in the slow speech did the required obvious effort. And in the fluent speech is in the present, but in the contain the little meaningful communication. Communication and in the conductive asphyxia, mixture of the both, and in the expressive and in the receptive asphyxia, and the global asphyxia result from a massive lesion, and there is an in the virtual loss of all language ability. Communication, onex area damage, and in the respective asphyxia, and in the receptive asphyxia where neither the sound or the speech or it means can be the understood.
एंड सेकेंड क्या है, इम्पेयर द कंप्रेंशन ऑफ द बोथ स्पोकन एंड इन द राइटिंग लैंग्वेज एंड द बोकस एरिया डैमेज एंड द एक्सप्रेसिव एस्पेक्शिया एंड द डिफिकल्टी द स्पीकिंग एंड द राइटिंग एंड द डिस्प्रेक्ट ब्रोका एंड द वर्निक्स. अफेक्ट मे बी द अनेबल टू द कंट्रोल इमोशंस मे बी द डिप्रेस्ड आर टी बॉडी डैमेज एंड इन द लॉस ऑफ फंक्शन मे बी द फ्रस्ट्रेट द आर टी एंड इन द इमोबिलिटी एंड इन द कम्युनिकेशन इश्यूज एंड द इंटेलेक्चुअली फंक्शन मेमोरी एंड इन द जजमेंट मे बी द इम्पेयर्ड एंड द लेफ्ट साइडेड स्ट्रोक पेशेंट आर द मोर क्वेश्चंस इन द जजमेंट एंड मूवमेंट राइट साइड स्ट्रोक पेशेंट more the impulsive and in the move quicker and the special and in the perceptual alteration right side stroke patient have in the more and in the perceptual alteration and the right side stroke patient has a more special and the spiritual and in the orientation issue first care inauguration and in the perception of the self and the illness may the Danny illness or in the body part and in the ingenious perception of the self in the space may be the ignore affected side and in the and the cannot the judge the distance agnosia or inability to the recognize and the objective by the sight touch or the hearing and in the apraxia of or the inability to carry out in the learned and in the scantily movement of on command and the elimination and in the elimination and in the most occur the essential are the transient frequently the constipation and the DD immobility and in the weak abdominal muscles weak rahegi and in the dehydration and in the dementia the defecation and the reflex urinary and in the bowel and urinary and in the bowel elimination and the may be the DD function inabilities of the express and need and in the manage the clothing diagnostic study CT scan and the indicated the size and the location of the lesions and in the differentiate between the infarct and in the hemorrhage effectiveness of the treatment and the evaluate the course of healing MRI and in the considered the best methods to the differentiate between the hemorrhage and the infarct and the diagnostic PET show the chemical activity and in the depict the extended if the tissue damage DSA and IV or arterial injection or the contract the material to the visualize and in the blood vessels TDA transcranial Doppler measurement and in the varicose arterial injection of the construct the material to the visualize the blood vessels and TDA transcranial Doppler measures and in the measures the varicosity of in the cerebral blood flow in the arteries and also the defect the microemboli and the LP may be the done to the detect the blood or the WBC not done if in the increase the ICP is in the suspected and in the और एब्रोटिव केयर्स एंड इन द प्रिवेंशन में क्या रहेगा एंड इन द हेल्दी डाइट वेट कंट्रोल रेगुलर एक्सरसाइज नो स्मोकिंग एंड द लिमिटिंग एल्कोहल एंड इन द रूटीन हेल्थ असेसमेंट एंड द ड्रग थेरेपी एंड द प्रोफिलैक्टिक लो डोज एस्पिरिन डेली एंड द प्रोफिलैक्टिक में क्या करना है लो डोज एस्पिरिन को डेली देना है एंड इन द पर्सिस्टाइन द 50 mg 3 days and in the decrease the platelet aggregation and which help to the decrease the risk of the thrombus and the embolus formation and in the Tazlit or in the Plavix and the platelet the aggregation the inhibitors and the surgical therapy and the carotid in and in the endarterectomy and the ECA the Erythromatous lesion in the removed from the carotid artery to improve the blood flow and the decreased stroke and the death in the patient with TIA and the transient ischemic attack
and done on the patient within the 70 to 99% occlusion. And the transluminal angioplasty. And the insertion of the balloon to open stenosis and the artery to permit the blood flow. And first care patient within the symptomatic stenosis of in the vertebrobasilar or the carotid arteries. And the risk of in the dislocating emboli. ESIC bypass, मतलब extracranial and the intracranial bypass. Used when in the obstruction cannot be removed the directly. Second care, a branch of the extracranial artery in the anastomosis to a branch of the intracranial artery just the beyond the area of obstruction. And the patient at a high risk for the stroke and the required the close and the long-term assessment and management. The acute care and in the and the essential ensure the patient airway DT alterated level of the consciousness and the remove the dentures and administer the oxygen view and the nasal cannula or the non rebreather mask and NRVM and the DT respiratory distress. Acute care establish the IV assist within the normal saline to maintain the BP. Second care, remove the clotting and the obtain and the immediate CT scan, monitor the VC and in the LOC level of the consciousness, oxygen state and the cardiac arrhythmias and in the Glasgow coma scale and the pupil size and in the reactivity. And the acute care. And the acute care. Maintain the patient warmth and in the reassure the patient and the family. Ischemic the cascade and in the series of the event is in the response to the thrombotic and embolic stroke. Ischemic area become the discolored and soft and in the essential and in the however the around the border there is an in the area of perfusion called the ischemic and perfusion called the ischemic and in the numebra and date they maintain the perfusion for the 3 to 6 hours and the post stroke. If the adequate the blood flow is and in the renated and the during this period and the less neuro damage result. Treatment and in the control fluid and in the electrolyte balance and the adequate the hydration and in the promoted perfusion to the brain and in the however and the over the hydration may increase the cerebral edema and the total intake oral tube feeding IV etc and in the 500 to 200 per day and monitor the urine output. If the ADH released the urine output will decrease. Treatment IV solution within the glucose and in the water are in the avoided and in the hypertonic solution may be the increase the cerebral edema and the increase the ICP from in the cerebral edema peak in the 72 hours and the may causes the brain herniation. And how to manage the ICP? Enhance the venous drain by the elevated the HOB and the maintain the head and neck is an in the eliminated avoidance to the hip flexion. Limited the cerebral tissue and the metabolism and in the vasodilatation by avoiding the hypothermia, avoiding the hypervolemia and manage the constipation. And the medication. Diuretics and the increased the cerebral edema. Mannitol, omestrol and the Lasix. Furosemide and in the dexamethasone for the patient with in the vasogenic edema. Drug therapy and the thrombolytic therapy and in the recommended tissue and in the plasma and the plasminogen activator and the TPA to re-establish the blood flow and in the prevent the cells death for the patient with the ischemic stroke. Second patient who received the TPA and within 3 hours after a stroke more likely to have in the 32
percent less injury 3 months after the stroke. TPA work and the work by in the lysis thrombosis and in the clot by the binding and in the digesting the fibrillin and in the fibrinogen. TPA and in the clot the specific. First क्या है इसमें less likely to the cause the hemorrhage as in the compared to the streptokinase or the urokinase. And second क्या है and in the single most important factor is timing. TPA. थर्ड क्या है हमारा पेशेंट आर इन द स्क्रीनर फॉर द कोगुलेशन डिसऑर्डर जी आई ब्लीडिंग एंड द हेमरेजिक स्ट्रोक बिफोर द असेंशियल ऑफ द ट्रीटमेंट. फोर्थ क्या हमारा मेजर साइड इफेक्ट इज एन इन द सेरेब्रल हेमरेज. मोनिटर एंड मोनिटर वी एस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड द कंट्रोल बी पी एंड इन द ओ एंटीकोगुलेंट और इन द एंटीप्लेटलेट्स ड्रग फॉर इन द 25 आवर्स एंड द पोस्ट ट्रीटमेंट. Platelet inhibition and the anticoagulant therapy, heparin and aspirin and in the tylenol and in the tylenol and in the clopidogrel and in the Plavix and in the diflunisal and in the dipyridamole and in the pyrostenin and the percentine and in the contraindication for the patient within the hemorrhagic stroke and the monitor the PT and PTT monitor the patient for the bleeding. Drug therapy. Calcium channel blockers are given for the patient within the hemorrhagic strokes and in the excess the intracellular calcium may be the harmful to the brain tissue. Third gamma and in the limodipine and in the limotope and in decrease the effect of the vasospasm and the minimize the tissue damage. Aspirin decrease the platelet and in the aggression at the site of flare. Drug therapy and in the Tylenol treat the hyperthermia and in the Diabetin may be the given for the seizures. And last, thank you.